दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सिंह। बीजेपी इन नेता पुत्रों को एमपी में दे सकती है टिकट। बीजेपी में परिवारवाद चलेगा, नेता पुत्रों को मिलेगा टिकट। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय को बीजेपी टिकट देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र को टिकट दिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन को मिल सकता है टिकट। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, तुलसी सिलावट के बेटे नीतीश, विजय शाह के बेटे दिव्यदत्त, गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश, गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी टिकट देने जा रही है। भाजपा नेता, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी, हमेशा परिवारवाद कहकर विपक्षी दलों के नेताओं का मजाक बनाते हैं, भाषणी हमले बोलते हैं। अब अगर बीजेपी ने इन मंत्री पुत्रों को टिकट दिए तो फिर भाजपा परिवारवाद के बारे में क्या कभी कुछ बोल पाएगी? वैसे बीजेपी ने बढ़ती महंगाई का विपक्ष में रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। सरकार बनने पर महंगाई कितनी बढ़ी, आधार का विरोध, मनरेगा का विरोध, जीएसटी का विरोध, एफडीआई का विरोध करने के बाद सभी को भाजपा ने बढ़ चढ़ कर अपनाया। इसी तरह परिवारवाद को भी बीजेपी अपनाने जा रही है।